इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका पीके न्यूज पर। दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार रात 67 साल की आयु में निधन हो गया। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। वे पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रही थी। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने गहरा दुख प्रकट किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उनके जाने से भारतीय राजनीति के एक अध्याय का अंत हो गया है। सुषमा स्वराज जी अपनी तरह की अलग महिला थीं, जो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थीं। गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताते हुए कहा कि पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता व संसदीय बोर्ड के सदस्य सुषमा स्वराज ने एक प्रखर वक्ता, एक आदर्श कार्यकर्ता, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि और एक कर्मठ मंत्री जैसे विभिन्न रूपों में भारतीय राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनके रूप में हमने एक विरले, सरल व सादगीपूर्ण नेता खोया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शोक प्रकट किया है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि पूर्व विदेश मंत्री बहन सुषमा स्वराज के निधन के समाचार से स्तब्ध हूँ। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करता हूँ। आप अपने जन सहयोग व राष्ट्र उत्थान के कार्यों के माध्यम से देश व दुनिया के लोगों के दिलों में सदैव जिंदा रहेंगी। विनम्र श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सुषमा स्वराज के निधन से उन्हें गहरा आघात लगा है। गहरा दुख जताते हुए गडकरी ने लिखा कि सुषमा जी ने हमेशा मुझे बड़ी बहन का स्नेह दिया और संगठनात्मक सलाह देकर राजनीति अभिभावक का फर्ज निभाया। भारतीय राजनीति में मजबूत विपक्षी और पूर्व विदेश मंत्री के तौर पर उनकी भूमिका का सदैव स्मरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि उनके निधन से देश की, पार्टी की और व्यक्तिगत रूप से मेरी क्षति हुई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दुख जताते हुए कहा कि सुषमा स्वराज के निधन से स्तब्ध हूँ। एक प्रभावी सांसद, एक प्रभावी संचालक और एक उत्कृष्ट मानवीय नेता के तौर पर वह हमेशा याद की जाएंगी। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सुषमा स्वराज के रूप में मैंने एक बड़ी बहन को खो दिया। हमने कभी भी एक दूसरे को नाम से नहीं पुकारा था। उनका निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। सदन के अंदर और बाहर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन्होंने मुझे छोटे भाई के रूप में माना, बहुत कुछ सिखाया। वह एक अलौकिक वक्ता, प्रखर नेता रहीं। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बिल्कुल स्तब्ध हूँ। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपना जीवन समर्पित रखा। उन्होंने अपनी कार्यशैली और व्यवहार से अपनी काबिलियत और लोकप्रियता को साबित किया। उनका निधन पार्टी और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है।